नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए गणित में आज निर्देशांक ज्यामिति का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहे हैं, जो कि प्रत्येक वर्ष इन चैप्टर से 3-4 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी चीज समझने के लिए उसका कुछ नियम यानी सूत्र फॉर्मूला रहता है, तो पहले उसे समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी देखे होंगे कि बहुत सारा प्रश्न में ऐसे दिया रहता है, जैसे कि -2, 3, तो इसमें पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा भुज है या इनमें से कौन कोटि है, या इसका पूछ लेगा कि x निर्देशांक क्या होगा, y निर्देशांक क्या होगा। तो इस तरह का प्रश्न या मतलब इनमें से कौन से चतुर्थांश में आते हैं, कौन से पद में आते हैं, कौन से पाद में आता है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये सभी को समझना पड़ेगा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देखिए, यह है आपका एक्स निर्देशांक और यह है आपका वाई निर्देशांक। तो यहां पर जैसे कि आप ले लीजिए 3, -2, तो इसमें आपको पहला वाला जो होगा यह होता है आपका x निर्देशांक और दूसरा जो होता है y निर्देशांक। तो पहले वाले को कहा जाता है भुज, पहले वाले को क्या कहा जाता है भुज, और दूसरे वाले को कहा जाता है कोटि। दूसरे वाले को क्या कहा जाता है कोटि, याद रखिए, यानी कि इसे कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह जो y निर्देशांक है और यह जो x निर्देशांक है, यानी कि समझिए ये x हो गया और ये y हो गया। तो ये जो x है इसको क्या कहा जाता है भुज, और इसको क्या कहा जाता है कोटि। याद रखिए, पहले x आएगा फिर y आएगा। तो अब यहां पर देखिए कि प्रथम चतुर्थांश में क्या है, तो प्लस प्लस है। फिर द्वितीय चतुर्थांश में क्या है माइनस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश माइनस प्लस है। तृतीय में क्या है माइनस माइनस है। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या है, तो प्लस माइनस है। तो इसे याद रखिए। देखिए आप यहां पर अच्छे से समझ जाइएगा, ये हो गया आपका पहला, तो पहला में क्या है प्लस प्लस, दूसरा में क्या है आपका माइनस प्लस, तीसरा में क्या है माइनस माइनस, और चतुर्थ में क्या है, चौथा में क्या है प्लस माइनस। तो आइए इन आधार पर प्रश्न को ले रहे हैं। तो देखिए यहां पर आप प्रश्न देख रहे हैं कि क्या है पहले, तो आप एक बार यहां पर ध्यान में रखने के लिए सूत्र को लिख लेते हैं। तो पहला क्या होता है प्लस प्लस, दूसरा क्या होता है माइनस प्लस, तीसरा क्या आता है माइनस माइनस, और चौथा क्या आता है प्लस माइनस। तो देखिए, ये हो गया आपका पहला, ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, और ये हो गया आपका चौथा। तो देखिए यहां पे क्या है -4, 3 है, यानी कि प्लस में है, -4 और +3 यानी कि माइनस प्लस है। तो माइनस प्लस कहां जाएगा आपका द्वितीय, ये क्या हो जाएगा आपका द्वितीय चतुर्थांश में है या द्वितीय पाद में है। अब देखिए ये माइनस माइनस है, तो ये जो माइनस माइनस है किस में आ जाएगा तीसरा में आ जाएगा, ये तृतीय चतुर्थांश या तीसरा पाद में है। यहां पे देख रहा आप प्लस प्लस है, तो ये पहले में आ जाएगा, ये पहले में पहला चतुर्थांश में आ जाएगा। या फिर माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस कहां आता है आपका दूसरा में, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा, यानी कि दूसरा चतुर्थांश में है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहां पर आ गया आपका, देखिए अभी आपको जस्ट बताए हैं कि एक्स निर्देशांक को क्या कहा जाता है। तो हम बताए थे कि एक्स निर्देशांक को क्या कहा जाता है भुज, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न है आपका कि y x का समीकरण है। अगर y x का समीकरण पूछे
तो इसका उल्टा कर दीजिए, x x बराबर हो जाएगा आपका जीरो। y x का समीकरण पूछे तो x बराबर जीरो हो जाएगा, और अगर x x का समीकरण पूछे तो हो जाएगा आपका y बराबर जीरो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, दोनों प्रश्न यहां पर है, यहां पे पूछा गया है y x का समीकरण है तो x बराबर जीरो, और x x का समीकरण है तो y बराबर जीरो हो जाएगा। याद रखिएगा, अच्छा से उल्टा हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 3-4 के कोटि का मान होगा। तो कोटि दोस्तों बताए हैं कि पीछे वाला होता है, ये भुज होता है, तो मतलब दूसरा वाला क्या होता है, कोटि। तो क्या हो जाएगा, -4। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है आपका, बिंदु 4-3 किस पाद में है। बिंदु 4-3 किस पाद में है, यानी कि दोनों क्या है, प्लस प्लस में है, दोनों प्लस प्लस में है, तो प्रथम आ जाएगा, प्रथम पाद। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रथम पाद। अगला प्रश्न है, किसी बिंदु की एक्स एक्स से दूर उस बिंदु का क्या कहलाती है। तो एक्स एक्स से दूर उस बिंदु, यानी कि दूर जो उस बिंदु है, यानी कि क्या हो जाएगा तब, ये कोटि। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि पहला एक्स एक्स होता है, दूसरा क्या होता है, वाई एक्स होता है, तो इससे उस दूर बिंदु तो यही है, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, कोटि, इसको बोलते हैं भुज। तो अगला प्रश्न देखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर था कोटि। अगला प्रश्न है, कार्तिकीय तल में स्थित किसी बिंदु 8-9 में कोटि का मान होगा। तो कोटि दोस्तों होता है दूसरा वाला, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, और अगर पूछता भुज तो 8 हो जाता। अगला प्रश्न है, बिंदु है -4-3 किस चतुर्थांश में है। तो -4 और 3 है, यानी कि माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस है तो ये किस में आ जाएगा, दूसरा में आ जाएगा। माइनस प्लस किस में आता है, दूसरा में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, फिर बिंदु 2√3-2 किस पाद में आएगा। तो क्या है, प्लस माइनस, तो चतुर्थ में आएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, चतुर्थ में, प्लस माइनस चतुर्थ में आता है। देखिए एक बार याद कर लीजिए, पहला होता है प्लस प्लस, और दूसरा होता है प्लस माइनस, तीसरा होता है माइनस माइनस, और ये होता है प्लस माइनस। तो यहाँ पे प्लस है और इधर माइनस है, तो क्या आ जाएगा, चतुर्थ, यानी कि चौथा में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, माइनस माइनस दोनों दिखाई दे रहा है, तो आप सभी जानते हैं कि माइनस माइनस किसमें होता है, तृतीय पाद में होता है, ना कि तृतीय चतुर्थांश में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मूल बिंदु नियमांक कौन है। मूल बिंदु के नियमांक कौन है, तो मूल बिंदु के नियमांक होता है 0.0। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न है, एक्स बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी सही है, यह सरल रेखा वाई एक्स के समांतर होगा। यह क्या होगा, वाई एक्स के समांतर होगा। जैसे कि मान लिया जाए दोस्तों कि ये आपने क्या बनाया, ग्राफ बनाया, तो -5 मान लिया जाए यहां है, आप सभी जानते हैं कि ये एक्स होता है, ये एक्स होता है, ये y होता है, और ये y होता है। तो मान लिया जाए कि -1, -2, -3 यहाँ 5 हो गया, तो ये जो ऊपर जाएगा तो किसके समांतर जा रहा है, ये y के समांतर न जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो ये y के समांतर है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका y के समांतर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, y के समांतर है। अगला प्रश्न है,
बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है? तो माइनस माइनस सभी जानते हैं, आप सभी बहुत अच्छे से याद रहेगा, तृतीय पाद में है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न है बिंदु 6-5 का एक्स नियमांक है। तो एक्स नियमांक दोस्तों आप सभी को पहले ही शुरू में ही बता दिए हैं कि एक्स नियमांक को क्या कहते हैं, भुज, और क्या होता है, पहला वाला होता है। क्या होता है? पहला वाला होता है, पहला वाला आप सभी को बता दिए हैं कि एक्स पहले होता है, वाई दूसरा होता है, इसको भुज बोला जाता है, इसको कोटि बोला जाता है, इसको एक्स नियमांक बोला जाता है या एक्स निर्देशांक बोला जाता है, इसको वाई नियमांक बोला जाएगा या कोटि बोला जाएगा। तो यहां पे पूछा है एक्स नियमांक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है बिंदु एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। सूत्र पूछा गया है दोस्तों, √x² + y² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है बिंदु 6-5 का भुज है। दोस्तों भुज पूछा गया है, तो पहला वाला यानी कि 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, 6। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये पहले वाले को भुज कहा जाता है, यह एक्स नियमांक कहा जाता है, यह एक्स निर्देशांक कहा जाता है, दूसरे वाले को कोटि कहा जाता है, वाई नियमांक कहा जाता है या वाई निर्देशांक कहा जाता है। तो हमको पूछा क्या है भुज, तो भुज पहला वाला होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिंदु ए -6, -5/2 किस पाद में है? तो दोनों माइनस माइनस है, तो तृतीय पाद में हो जाएगा, तृतीय पाद, ऑप्शन नंबर सी सही है, तृतीय पाद, ऑप्शन नंबर सी सही है, तृतीय पाद होगा इसका, क्योंकि दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में, तृतीय पाद होगा। अगला प्रश्न है बिंदु -6, -10 का कोटि पूछा है, तो कोटि होता है दूसरा वाला और भुज होता है पहला वाला। तो भुज अगर पूछता तो -6 होता और कोटि पूछा है तो 10 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, 10 कोटि 10 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिंदु है -6-7 का कोटि, तो फिर कोटि पूछा है दोस्तों, कोटि तो आप सभी जानते हैं कि वाई को कहता है, इधर वाई रहता है, लेकिन दूसरा वाला कोटि, तो -7 ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है एक्स एक्स का समीकरण है, तो एक्स एक्स का समीकरण उल्टा हो जाएगा इसका, y = 0, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है बिंदु -12, -18 का भुज, तो भुज पहला वाला होता है, -12, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर निकल जाए, यानी कि रूट का वर्गमूल निकल जाएगा, तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6, उसके बाद फिर 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या क्या होता है? P/Q, जहां जहां Q > ≠ 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो आप समझ गए यहाँ पर। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी, तो ये तो √3 तो बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए ये आपका अपरिमेय संख्या हो रहा है। अगर ऑप्शन सी देखें तो ये भी आपका 49 का 7 बार हो जाएगा, और ऊपर मैंने 7 ये है, तो ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 3 बार हो जाएगा और इसका 9 बार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी आपका परिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, पूछा था क्या, ओ परिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों याद रखिए कि
रूट के अंदर अगर विषम संख्या या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो एक से कटे और अपने आप से कटे, वह अगर रूट के अंदर संख्या आ जाता है तो लगभग वो परिमेय संख्या ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, पाई तो जानते हैं कि आप वो परिमेय संख्या होता है, लेकिन पाई में दो से भाग लग रहा है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 76 नंबर, रूट थ्री में परिमेय संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी तीन में रूट थ्री घट रहा है। देखिए एक तीन बात याद रखिए, अगर परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के साथ घटे तो क्या होगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जुटे, यानी कि जुटे तो वह भी आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और अगर किसी परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या गुना हो जाएगा तो वह भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये तीन बात याद रखें। अब अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पर 5 परिमेय संख्या है और रूट 2 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो ये जो है कि अपरिमेय संख्या है रूट 2 और 5 क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन दोनों आपस में क्या है, गुना में है, दोनों आपस में गुना में है तो क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, 78 नंबर, ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये देखिए 79 नंबर जो है कि ये आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। आपका ये कैसे, क्योंकि अगर यदि इसको हम तोड़ेंगे, यानी कि रूट थ्री बटे में इसको हम तोड़ देंगे 4 गुना 3, यानी कि तो 4 का वर्गमूल बाहर हो जाएगा 2, तो आपका क्या बचेगा, रूट थ्री और फिर रूट थ्री बचेगा, यानी कि 2 यहां नीचे लिखाएगा तो ये रूट थ्री कट जाएगा तो 1/2 बच जाएगा। तो ये क्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो 79 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला ऐसे भी कटा दीजिए, 3 × 12 तो 1/4 मतलब 4 रूट के अंदर आ जाएगा और 4 का मान वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो यानी कि 1/2 हो जाएगा। चलिए आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है 6+√2, तो ये क्या हो रहा है, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ जुट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट अंदर n क्या होगा, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, एक से शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे डॉट डॉट चलते रहेगा प्राकृतिक संख्या, तो इसके अंदर 1 रखिएगा तो 1 का वर्गमूल 1 ही हो जाएगा, 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और फिर 4 रखिएगा रूट के अंदर 4 रखिएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और रूट के अंदर जैसे शुरू में बताया कि 1 रखिएगा जिसका मान भी 1 आ जाएगा, लेकिन रूट के अंदर 2 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। रूट के अंदर 3 रखिएगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, रूट के अंदर 5 रखिएगा तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, रूट के अंदर 8 रखिएगा, यानी कि प्राकृतिक संख्या जो 1, 2, 3, 4, 5 होता है इस तरह से आगे बढ़ेंगे, लेकिन 4 रखे तो 2 बाहर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, यानी कि दोनों आ सकता है, दोनों आ सकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इनमें कौन अपरिमेय संख्या है, तो इनमें कौन अपरिमेय संख्या है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि बिल्कुल अपरिमेय संख्या है। किसी अपरिमेय संख्या ए का व्युत्क्रमण यानी कि उल्टा 1/a क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है रूट 11 क्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है क्योंकि रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो यहां पूछा गया है परिमेय संख्या कौन है, तो ये तो आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा 16 का वर्गमूल निकलेगा, 4 × 16 चार निकल गया, फिर इसका 5 निकल जाएगा, तो ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो इसमें देख रहे हैं कि परिमेय संख्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है क्योंकि इसको जब गुणा करिएगा तो रूट के अंदर हो जाएगा 121, तो बाहर हो जाएगा इसका वर्गमूल 11 हो जाएगा, यानी कि दो गो रूट के अंदर एक जैसा आता है तो एक बाहर हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ये आपका परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है आपका निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न है दो तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या होगी, तो यह जो है कि इसका 5 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो 2.5 लगभग इसके दो इसी के बीच में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगर P एक अबाध संख्या है तो रूट अंदर P क्या होगा, तो दोस्तों अब शुरू में बताए थे जब अबाध संख्या रूट के अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। शुरू में ही बता दिए थे कि रूट के अंदर अगर अबाध संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। अगला प्रश्न है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, एक अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग या अंतर, तो परिमेय संख्या का योग या अंतर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग या अंतर अपरिमेय संख्या ही होगा, शुरू में बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथन में सत्य कथन को पहचाने, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है क्योंकि ये √3 √3 कट जाएगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, बाकी बात सभी अपरिमेय संख्या है। अब देखिए 8 × 0 × 2 × 0 यानी कि किसी पे पावर 0 आता है तो उसका मान 1 हो जाता है, तो × 1 × 1 = 1, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ग्यारह बटे पांच एक, तो यह क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, अपरिमेय संख्या नहीं होगा क्योंकि इसका 8 और इसका 9 बाहर आ जाएगा और बाकी बात इसका सब नहीं आएगा। 3.27 पे रिकरिंग, तो ये इस प्रश्न का उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही है,
क्योंकि इसका जब सॉल्व करिएगा तो आप सभी जानते हैं कि जितना संख्या पर रेकरिंग आता है उतना नीचे 9 आता है, और जिस संख्या पर रेकरिंग आता है वो क्या आता है, घट जाता है, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, 121 का 11 वाला निकल जाएगा और बाकी डेटा का नहीं निकलेगा। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है ऑप्शन नंबर सी, 25 का 5 12 जाएगा और इधर किसी का नहीं निकलेगा।